सिखियार्थियों प्यार भरी सत श्री अकाल। शब्द जोड़ दे नेम पार्ट टू, ये आप दूजा पार्ट कर रहे हैं बई। शुद्ध अशुद्ध तुसी कह लो, भावें शब्द जोड़ दे नेम है इसका भाग दूजा। कई नियम आप पढ़ चुके स, उस तो अगे आप वधदे हाँ। गल उही कहना चाहवांगा कि आ निजम है जिहड़े विद्वानां ने बनाए है, ये थोड़े तिलकवें है भाई, आम तौर पर इत्थे इत्थे एवें लागू होंदे है। हर जगह लागू होण ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जिहड़ा बुलारा है वह जिहड़ी भाषा बोलता है वह मुख होंदी है भाई। और व्याकरणकार है जिहड़े उसनों फॉलो करते हुए व्याकरण के नियम करते हैं। एक गल जो आपां ध्यान रखनी है, आपां अपनी उपबोली के अंदर जो शब्द वरत रहे हैं उहनूं शुद्ध नहीं मनना, शुद्ध उसनूं मनना है जो अपनी टैक्सट बुक फॉलो करती है, जो टकसाली पंजाबी केंद्रीय पंजाबी है वह की कहिंदे है, उहदे विच लिखा हुआ अक्षर है जो वह शुद्ध होगा भाई। तां इह जिहड़ियां गल्लां ने उस तों तुसीं जाणू होणा है और फिर आपां करना है भाई, ठीक है। फिर शुद्ध शुद्ध मुख दी गल अगर मैं आखदा वा, यह अभ्यासरण आएगी भाषा विज्ञानियों की व्याकरणकारा की जिहड़ियां बुक्स है उसनों तुसीं ध्यान च रखोगे, गौर नाल पढ़ोगे किहड़ा अक्षर किवें लिखिया जा रहा है। दूजे नहीं वेखने, तुसीं पंजाबी च लिखी हुई दूजियां किताबां वेख लो, इतिहास की पंजाबी साहित्य का इतिहास या कोई भी नहीं, भाषा विज्ञानी इस ते थोड़े सचेत रहिंदे आ भाई, उन्हां विचों लिखिया होवे शुद्ध शुद्ध है। बाकी बहुत सारे शब्द मैं तुहाडे नाल सांझा कर दांगा, इस तों जिहड़ी अगला पार्ट थ्री होगा उस विच शब्दां उत्ते गलबात होगी। आम तौर पर जिहड़े नेम वरते जाते हैं उन्हां दी गल आपां शुरू करन जा रहे हां। सब तो पहला नासक व्यंजन ने जिहड़े भाई, गंगा गंगा नाणा नन्ना मम्मा, नासक होण कारण आम तौर पर बिंदी नहीं लगती पई। आम तौर पर नासक व्यंजन जिथे आ जाए उत्थे बिंदी नहीं लगेगी पई। जिवें आपां की करना, जाना खाना सुनना माणना वांगू ठीक है, ते वांगू पई, इन्हां विच की बिंदी नहीं लगेगी। आपां करदे की है एवें लिख दिंदे आ पई, ये गलत हो जाता है, बिंदी का वरतों नहीं करनी, क्योंकि पहला भी नासक है, नासक है नासा राही बोल रहे हैं आप बिंदी होर चेपती पे, ये जो काम है गलत है, नासक स्वर है आम तौर पर उत्थे बिंदी की वरत नहीं होंगी। हुण इस तो गां गल करिए, कोई नासक स्वर है उस तो पहले वाला जो उनके असर हेठ आ रहे हैं उस पर भी बिंदी नहीं लगेगी भाई। अनासक अखरां की आवाज का असर उस तो पहले ते अगले अखर ते भी पै जांदा है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है। अगर उन्हां वर्णां दे उत्ते बिंदी नहीं लग रही तां नहीं लानी, किते तुसीं नासकता दे प्रभाव हेठ बिंदी लगा दो। वैसे सौखा सिस्टम है, जिथे बिंदी लगूगी तुसीं ऐ कर लेना भाई, और वह शब्द बोलना बिल्कुल शुद्ध शब्द, चाहे वांगू ओ ठीक है, वाणना नासकता की थां वह नासक है जो हो जाएगा, आपां पता लग जाएगा ये शब्द है नासक है। जे उत्थे नासक शब्द आ रहे तां नासक शब्द लिख दांगे, और जे किते बिंदी टिप्पी लग रही है तां आपां उत्थे जो बिंदी टिप्पी है वह लगा देवांगे। इन्हां गल्लां नूं आपां ध्यान च रखना है। ते उस तो पहले या बाद वाले शब्दों का असर है पै रहा है, आपां नूं ऐ लगूगा जिवें बिंदी लग रही है पर नहीं। जिवें देखो आम शाम ठीक है, ते टूणा दुनिया टूणा, ते आपां कई बार की करते हैं कि इत्थे बिंदी ला देने, इत्थे ला देने, इत्थे बिंदी ला देने, आपां नूं एवें लगता है कि जिवें इत्थे बिंदी लगनी चाहिए है, आपां लगा देने हैं। जिउणा आ बिल्कुल शुद्ध है, आपां की करदे हां जी इत्थे बिंदी लगा दिंदे हां, आपां नूं इवें लगदा इत्थे लगनी चाहीदी है।
बिंदी जदों कि लग रही है तो इसन भी थोड़ा ध्यान ना वेखना है, बिंदी लगती है ता ही लानी है, आप बिना काम तो तकिया नहीं करना बिंदी ना भाई। ये है होर थोड़ा अगे होर वधदे हैं, अनासकता टिप्पी बिंदी अदख बारे अज चंगी तरह गल्लां करदे हां। अनासक अखरा तो पहला वरती गई टिप्पी है जिहड़ी, वह अदख का काम करती है भाई। अनासक अखरा तो पहला अगर टिप्पी वरती गई है तो अदख का काम कर जाती है, उत्थे अदख लाण की लोड़ नहीं है। जिवें देखो अन इत्थे अदख का काम कर रही है भाई, इन्ना इन्ना किन्ना जिन्ना पन्ना यह की है अदख का काम कर रही है ऑलरेडी, इसनों आप एवें नहीं लिखना, अदख ला के एवें लिख दी, ये गलत होगा भाई। ठीक है तो यह ध्यान रखना है, अखर अगर कुछ इस तरीके का आ रहा है तो लग सकती है, कोई दिक्कत वाली गल नहीं है, परंतु टिप्पी भी अदख का काम कर जाती है जैसे इतने कर रही है, कई शब्दों च कर रही है कितने नहीं काम करती उ अदख लगेगा लगेगा, और नहीं तो की कहते हैं कि यह अदख का काम कर जाएगी। कई बार की है कि बिंदी लाने या ना लाने नाल अर्थ में फर्क पै जाता है, तो ध्यान रखना जिथे बिंदी लगनी है लानी है, जिथे नहीं लगनी नहीं लानी, बिंदी जिथे लगे उथे लाओ, जिथे नहीं लगती उथे ना लाओ। जैसे कि उगल है, उगल 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 माने उगलना, जे आप बिंदी लाती ए बन गया उंगल, आ रही पई उंगल बन गया, और ए उगल उगलना उंगल हाथ या पैर दी उंगल, साई साई दे के कोई चीज बनानी पई साई, हो आलो जी साई साई दिती जाती है, ठीक है जी साई होगी, एक साई बिंदी लग गई दे उत्ते ए मालक बन गया। ते ए भी ध्यान रखना है बिंदी लाने नाल कई बार अर्थ च फर्क आ जाता है, ते जब बिंदी लाओ सचेत होके लाना है, जेड़े अखर ते बिंदी लगे टिप्पी लगे अदख लगे उत्थे ही लाना है, नहीं तो नहीं लाना, क्योंकि ए असरअंदाज करते ने और अर्थ बदल के रख देंगे भाई। ये तो बिंदी वाले सी एवं टिप्पी है, और कई बार टिप्पी लाने या ना लाने नाल भी अर्थ च फर्क आ जाता है भाई। जैसे आप के कमी यह है, कमी कमी मन है घाटा, और इतने आप टिप्पी लाती बी कमी, यह जरा कमी है यह काम कर करने वाला बंदा है भाई, काम करने वाला। तद आप लिखते हैं जी तद, यानी कि उस वेले तद उस वेले, जे आप यही तद के उत्ते बिंदी लाती तो बन जूगा तंद, सूत की तंद बई, तंद सूत की तंद वह बन जूगा। एवं बद बद मन है बुरा, टिप्पी लाती बंद, बंद मन है बंद पई, टकिया होया बंदर विच। यह की कहें तुसी ध्यान रखना है, फर्क पै रहा, और इन्हां चीजां का फर्क पैंदा है, और वह तुसी जदों वरतों च लैके आओगे कर लोगे। भावअर्थ विच की होंदा है, भावअर्थ विच भावअर्थ तो ना बनाते समय भावअर्थ विच अणै ते नै दे अनासक होण कर होण करके बिंदी नहीं लगती, पर जे भावअर्थ तो ना बनाने हैं तां बिंदी लगेगी भी। थोड़ा जा समझण च तुहानूं इवें लगेगा ये थोड़ा अजीब जिहा लगेगा, परंतु है इन्ना अजीब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपां इन्हां तों जाणू नहीं है, तां करके सिंपल जी गल है। जे भावअर्थ तो ना बनाओगे, ना तो बहुवचन बनाओगे, तो इन्हां रूपां विच बिंदी है जो लगी रहती है, नहीं तो नहीं लगती। जिवें किरना है, किरना माने डिगना, भी कोई चीज किरी जाती है किरना डिगना। हुण हुंदा की है कि इत्थे बिंदी लग नहीं सकती, नासक है, परंतु पावर तो अगर ना बनाना है तो बिंदी लगेगी। हुण किरना हो गई सूरज दी किरना, किरना यह सूरज दी किरण, एक किरना मन थोड़ा चरना या डिगना, यह है किरना डिगना। परंतु जैवी इथे हम ना बनाता किरना, यह सूरज दी किरना है, यह ना बन गया, तो ना बन गया तो इतने अनासक के उत्ते भी बिंदी है जो लग गई है भाई।
एक एक खुबना भी खुब गया, खुबना फस जाना। लो जी आ है खुबना फस जाना। हुण इत्थे की कहिंदा खुंबना, खुंबा खुंबना ओही गल है, खुंबा खुंबना ये खुंबना है जिहड़ी ये की है खोबे है, खोबे ये खोबे इत्थे ना बन गया, जदों ना बनता होवे तां बिंदी लग सकदी है। हुण ये इस कारण समझाया, इस तों पहलां तुसीं सोच लो बई इहदे उत्ते बिंदी लगी नहीं। ये सारे जिहड़े निजम होंदे आम तौर ते होंदे है, आम तौर ते एवें वेंदे एवें, क्योंकि भाषा का बुलारा है जिहड़ा ਉਹ ਵਿਆਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਸਿਖਾਤੀ, ਬਾਗੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਗੜੀ ਬੋਲਣੀ ਸਿਖਾਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਥੋੜੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਤਾ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਵਿਆਕਰਨ ਵਾਲ ਨੂੰ ਵਿਆਕਰਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆ ਇੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਮ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਡ ਨਾ ਲਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੈਵੇਂ ਕਦੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ, ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਦੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਣਾ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਵੀ ਕਰਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸੀ ਭਾਈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਟਿੱਪੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਅਧਖ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਬਿੰਦੀ ਔਰ ਅਧਖ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਾਏ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੈ ਬਈ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਨਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਚੇਤ ਰਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਬਿਨਾਂ ਨਾਸਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਵਰ ਤੋਂ ਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੂਗੀ, ਨਾਮ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿੰਦੀ ਲਾਣੀ ਪਊਗੀ। ਨਾਸਕਤਾ ਹੋਵੇ ਭਲਾਈ, ਨਾ ਸਕਤਾ ਲਾਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਰੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪੇ ਆਪੇ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਅਨਾਸਕ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਗਾ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਰਥ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖੋ ਸਮਾਂ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਸਮਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਸਮਾਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਇਹ ਵਕਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਸੰਗਿਆ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਨਾਉਣ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਲਿਖਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਊਂਗਾ ਉਹ ਆਹੀ ਸਮਝਾਊਂਗਾ, ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਅਧਖ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਅਧਕ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਧੂਈ ਬੋਧ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ, ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹੈ। ਜੈ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ, ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਆਪੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਧਕ ਹੈ, ਅਨਾਸਕ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਖਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿੰਦੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਅਰਥ ਭੇਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਗਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਅੱਗਾ, ਅੱਗਾ ਮਨੇ ਅਗਲਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਤਾ ਅੱਗਾ, ਅੱਗਾ ਅੱਗ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ। ਤੀਆ, ਤੀਜਾ, ਜਾਨੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਅਰਥ ਭੇਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤਾਂ ਫਰਕ ਆਵੇਗਾ। ਤੀਆ, ਤੀਆ, ਤੀਜਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੀਆਂ, ਆ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਉਹੀ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਪਈ। ਸਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਤਿਉਹਾਰ, ਉਹ ਤੀਆਂ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਲਾ ਅਨਾਸਕ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਗੈਰ ਅਨਾਸਕ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਥ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਅਰਥ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਕਿੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਟਿੱਪੀ ਅਧਖ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਕਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਆਪਾਂ ਦਿਮਾਗ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਭੇਜੀਏ, ਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਸ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਰੱਟਾ ਨਾ ਚਾੜਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਚ ਕੀ ਕਿਸੇ ਚ ਕੀ ਫਿਸਲਵਾਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਧਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਧਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧਾ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਮੁਕਤਾ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਔਂਕੜ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਸਵ ਲਗਾ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤਾ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਔਂਕੜ, ਮੁਕਤਾ ਸਿਹਾਰੀ ਤੇ ਔਂਕੜ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਖ ਹੈ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖਣੇ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਧੁਨੀ ਬੋਧ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਚੈਪਟਰ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਧਖ ਹੈ, ਅਗਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੇ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਲਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੈਸ,
चेक लैस पेन लोड़ है ता लाना है जिथे नहीं लोड़ नहीं लाना पई दलां दे अंदर कई अखर ही लिखी जाते हैं रखनी लोड़ नहीं तो नहीं लाना यह चीज तुसी ध्यान रखनी है पई सचेत तौर पर हुण मूल क्रिया विच वरती गई अदख उसके प्रेरणार्थक रूप में अट जाती है मूल क्रिया च आपां अदख वरत ली हुण इस कारण दस्सिया भाई तुसी आ ना रहो धातु है उसनों अगे बदलना नहीं करना नहीं आ थोड़ा ध्यान रखने वास्ते तुहानू ये नियम दस रहे हैं कि मूल क्रिया विच वरती गई अदख नू प्रेरणार्थक रूप दे विच पैसिव फॉर्म दे विच अगर वह हट जाती है भाई जिवें आ रहा सुट है हुण सुट तो सुटाउणा प्रेरणार्थक है सुट तो सुटाउणा अदख हट गई भाई इथे अदख हटेगी कुटना तो कुटाउणा कुटना या कुट कुटना तो कुटाउणा भाई आलू कुटना तो कुटाउणा सुट तो सुटाउणा चुकना तो चुकाउणा छड़ना तो छड़ाउणा इथे जिहड़ी अदख है वह गायब हो जाएगी इथे आंदे टाइम प्रेरणार्थक है क्योंकि इतने की है कुटाउणा उन्हें खुद नहीं कुटिया किसी होर तो कटाओता कुटाउणा यह प्रेरणार्थक है उसने किसी प्रेरित किया दूजा बंदा जाके उन्हें कुट रहे तो आप कहते कुटाउणा सुटाउणा भी खुद नहीं जाके कचरा सिटिया अपने किसी होर कह के सटवाता सुटाउणा यह प्रेरणार्थक है प्रेरणा दी गई है प्रेरणार्थक शब्द दोहरे प्रेरणार्थक वगैरह उन्होंने बारे भी वीडियो बनया हुआ भाई तुम वेख सकते हो पर इतने आ जो निजम है वह दसता थानू ताकि तुसी इस तो जाणू रहो कई शब्दों में अदख की वरतों करन या ना करन नाल भावों में फर्क पै जाता है आ ध्यान रखियो जिवें कि सजा हुण सजा है सजा सजाणा सजा की है सजाणा या सजा होना यह भी हो सकता है सज्जा खब्बे का उल्ट इत्थे सज्जा की है खब्बे का उल्ट एवें सदा सदा लई सदा लई सदा हमेशा और इतने आ गया जी सदा सदा दो बुलावा भेजो तो यह जरा है अदख का फर्क है इस तो आप जाणू भी है पर थोड़ा सचेत रहना शुद्ध शुद्ध करते समय हट्टी हट्टी एक तो हट्टी दुकान हट्टी भाई मैं हट गई हट्टी हट्टी माने पिछे हट्टी हटना हट्टी एक है हट्टी अदख लग रहा है यह दुकान है अदख तो भी आप जाणू है जी है गल उस ध्यान रखना है भाई बिंदी टिप्पी अदख बारे सचेत रहना है कुल मिला के गल आई है बिंदी जिथे लगेगी उत्थे लगेगी जिथे नहीं लगती उत्थे नहीं लगती यह जरूरी नहीं कि अनासक अखर है अनासक अखर है अगर वह ना बन रहे हैं बहुवचन बन रहे हैं तो उस पर लग सकता है यह सारिया गल् ने हर कंडीशन है जो तुम दसती है तो इन्हों नियमों के नहीं उलझना भाई इतने लगे इतने लगे इतने 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 ऐ तुसी तो उस अखर के बिहेवियर समझना व्यवहार में समझना है भाई आ अखर इस तरीके पढ़िया हुआ है यह शुद्ध हो सकता है तो ज्यादा तो ज्यादा सचेत रह के विश्राम चिन्ह हो गया शुद्ध शुद्ध हो गया जिन्ना गौर न पढ़ोंगे और औखे शब्द लिख लोगे वह तुम अपने आप ऐसा सिस्टम तैयार हो जूगा कि तुम छांट दोगे भैया हुण की है के नूं पहले आए शब्द नाल जोड़ के जा निखेड़ के लिखण नाल अर्थ भेद हो जाता है भाई के नूं ये वैसे ही आपां नूं पता है भाई जिवें आ रहा सड़के की है सड़के सड़न करके एक है सड़के इसनूं जोड़ देने हैं भाई सड़के हुण सड़के सड़के जांदी है ठीक है जी हुण इत्थे की हो गया सड़के सड़क बन गई पहला सड़के सड़के सीगा ते आ के है अगर इहनूं तुसीं दूर करदे हो स्पेस मेंटेन करोगे अर्थ बदल जाएगा जिवें आ रहा करके कोई काम करके और इत्थे करके कारण संबंधी आ यूज होंगे भाई भौ के घूम के और भौ के आलो भौ के आ गया तू भौ के आ गया घूम के आ गया धक्के खा के आ गया और जे इन्हों जोड़ता भौ के भौकना आ हो गया अगला भविख काल दे गा गे गी ते गीयां नूं
ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਭਾਈ। ਔਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ ਆਵੇਗਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਭੂਤਕਾਲ ਚ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਵਿੱਖਤ ਕਾਲ ਦਾ ਗਾ ਗੇ ਗੀ ਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਖਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ ਜਾਵੇਗਾ ਖਾਵੇਗਾ ਸੜਨਗੇ ਗਾਉਣਗੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੁੜੇਗਾ ਭਾਈ, ਖਾਵੇਗੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਆ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਦਾ ਦੇ ਦੀ ਤੇ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਪੜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਕੋਟ ਇਹ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਕੋਟ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨੀ ਲਿਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਹੀ ਹੋ ਵੈਸੇ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਨੀਗੇ, ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਖੋਗੇ ਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਰਮਿੰਦਰ ਦਾ, ਰਮਿੰਦਰ ਦਾ ਕੋਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜੋਗੇ ਰੋਂਦਾ ਕੁਰਲਾਂਦਾ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਕੁਰਲਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਰਲਾਂਦਾ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਸੰਬੰਧਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਅਗਰ ਉਸਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਰਥ ਦਾ ਅਨਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੂ। ਔਰ ਇਹ ਬਸ ਸਚੇਤ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜੈਪੁਰ, ਬਈ ਐਵੇਂ ਨੀ ਲਿਖਣਾ ਜੋੜ ਕੇ, ਜੈਪੁਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇੱਥੇ ਸਪੇਸ ਨੀ ਪਾਉਣਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਪੱਕਾ ਪੀੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨੀਗਾ। ਪਿਛੇਤਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੇਤਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਜੋੜ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੱਟੀ ਵਾਲਾ, ਚਾਹ ਵਾਲਾ, ਖੰਡ ਵਾਲਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਸਕੰਜੀ ਵਾਲਾ, ਪਿਛੇਤਰ ਹੈ ਵਾਲਾ, ਵਾਲਾ ਪਿਛੇਤਰ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ, ਚਾਹ ਵਾਲਾ, ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ, ਵਾਲਾ ਪਿਛੇਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਰਟ ਟੂ ਹੈ, ਪਾਰਟ ਥਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣੂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ, ਬਈ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਆਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਵੱਧ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਦੇ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਟਕਸਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਭਾਈ। ਨਿਯਮ ਥੋੜੇ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਪਾਉਗੇ, ਨਿਯਮ ਫਿਸਲਵਾਂ ਫਿਸਲਵਾਂ ਭਾਈ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਪਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਚੁਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ 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 ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚੋ ਮੈਂ ਪਾਰ ਪਾ ਲਵਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਅਸ਼ੁੱਧ ਜੋ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਵਧੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਆਪਾਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਧੰਨਵਾਦ।